नमस्कार, प्राइम श्रद्धक में स्वागत है आपका। मैं हूं श्वेता गर्ग और आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी 7 अगस्त को मध्य प्रदेश में पीएमजीकेएवाई के लाभार्थियों के साथ करेंगे बातचीत। पीएमजीकेएवाई के तहत अन्न महोत्सव का होगा आयोजन। चीन के खिलाफ भारत के साथ आई वैश्विक ताकतें, रीकैप चुनाव में जीता भारतीय अधिकारी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा जम्मू कश्मीर में पंचायती राज संस्थाएं और सशक्त बनेंगी। नक्सल प्रभावित इलाकों में 5,422 किलोमीटर सड़क बना रही है सरकार। सड़क दुर्घटनाओं में 1.32 लाख लोगों की हुई मौतें। जम्मू कश्मीर पर ओआईसी के बयान को भारत ने कड़ाई से किया खारिज। देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी न करने की दी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का सीबीएसई और आईसीएसई को निर्देश, मॉडरेशन नीति के चलते कम हुआ प्राप्तांक की सूचना रिपोर्ट। महाराष्ट्र के अफसरों की इजराइल यात्रा पर राज्य सरकार को नोटिस, पेगासस जैसे स्पाई वेयर खरीदने का है आरोप। भारत और चीन के बीच हुई सैन्य वार्ता, विदेश मंत्रालय ने कहा सैनिकों को पीछे हटाने के मुद्दे पर होगा विचार। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रकांत पाटिल बोले ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होने देंगे स्थानीय निकाय चुनाव। राजस्थान में 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव की घोषणा, 3 चरणों में होगा मतदान। युवाओं को आतंकी बनाने के लिए प्रोफेसर और रिलीजियस स्कॉलर्स की मदद ले रहे हैं आतंकी संगठन। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक जहाज विक्रांत का दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास। हर कदम से चीन को संदेश दे रहा है भारत। टीएमसी के कुणाल घोष ने त्रिपुरा के शाही परिवार के वंशज बंधु किशोर देव बर्मन से की मुलाकात। लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आरजेडी सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी जमानत। दिल्ली में थर्ड वेव में 37,000 केस आने की संभावना, अस्थायी अस्पतालों में बन रहे हैं आईसीयू व वेंटिलेटर के बेड्स। आगरा में 136 मीटर पर पहुंचा चंबल नदी का जलस्तर, प्रशासन ग्रामीणों की नहीं कर रहा है मदद। हमीरपुर में खतरे के निशान के पास पहुंची यमुना नदी, 10 सेंटीमीटर खतरे के निशान से दूर है। शाजापुर में राशन वितरण के लिए सजने लगी दुकानें, अन्य योजना के तहत किया जाएगा फ्री राशन वितरण। सिद्धार्थनगर में प्रेरणा महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया गया बैठक, 12 सूत्री मांग को एडीओ और एनआरएलएम को सौंपा। सिद्धार्थनगर में जवानों को मिली बड़ी सफलता, एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
सिद्धार्थनगर में युवक को बचाने के लिए नदी में लगाई छलांग, कड़ी मशक्कत के बाद युवक की बचाई गई जान। आगरा में विकास कुमार ने एसपी सिटी का संभाला चार्ज, अपराध पर लगेगी रोक। आजमगढ़ में कूड़ा और पानी को लेकर हुआ विवाद, इसी दौरान एक पक्ष की महिला ने गर्म पानी फेंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बलिया में सपा ने प्रभुत्व सम्मेलन का किया आयोजन, 108 फीट भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएगी सपा। लखनऊ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, धमकी भरा पत्र भेजने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में हाई स्कूल में मास्क को लेकर छिड़ा विवाद, प्रिंसिपल और स्टूडेंट के बीच छिड़ा विवाद। लखनऊ में आईएम शावेज फिल्म पर आरोप, तीन तलाक की पीड़िता ने उठाए सवाल। मुरादाबाद में पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा, बहन ने भाई को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने हत्या से जुड़े सभी लोगों को किया गिरफ्तार। बैंकिंग फ्रॉड गैंग का पुलिस ने किया खुलासा, यूपीएसटी अपने ठाणे महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार, 5 दिन की रिमांड पर पुलिस लेकर पहुंची लखनऊ। सीतापुर में खैराबाद में होटल मालिक को मारी गई गोली, दिल्ली दरबार के नाम से चलता था होटल, अल्ताफ नाम के युवक को लगी पेट में गोली। फतेहपुर में बाइक सवार को तेज रफ्तार डीसीएम ने मारी टक्कर, हादसे में युवक की हालत गंभीर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। फतेहपुर में नदी में जलस्तर बढ़ने से रास्ता हुआ बंद, बसों का आवागमन भी हुआ ठप, बोट के सहारे नदी पार कर रहे हैं लोग। सीतापुर में होटल संचालक को गोली मारने का मामला, गुंडे ने पैसे को लेकर संचालक को मारी थी गोली, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को किया अरेस्ट। बुलंदशहर में मेडिसिन मार्केट के व्यापारियों से अप्रतिदा, रिटेल मेडिसिन व्यापारियों ने किया विरोध। हरदोई में डबल मर्डर से मची सनसनी, छोटे भाई ने भाई और भांजे की हत्या। मुरादाबाद में रेलवे पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, 15 अगस्त को लेकर चलाया गया चेकिंग अभियान। सिद्धार्थनगर में धारा 370 हटने का मनाई गई वर्षगांठ, ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी ने मनाई वर्षगांठ। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी का गेट टूटने की कार्रवाई तेज, प्रशासन ने दिया 15 दिन का समय। मेरठ में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन बोले, मोदी योगी सरकार में विकास हो रहा है तेज। युवाओं और किसानों पर केंद्रित होकर रालोद का घोषणा पत्र, इंटरनेट मीडिया पर भी की जाएगी राय शुमारी। में आई बीजेपी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन यूपी का करेंगे दौरा।
फिनलैंड में राजदूत बने अखिलेश मित्र, बीजेपी से बीटेक एमटेक करने के बाद बने आईएफएस अधिकारी। एएमयू के मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी, लौटाए गए मरीज परेशान। वाराणसी में स्मार्ट विद्यालय ने किया कॉन्वेंट स्कूल से मुंह बंग, विभागीय परीक्षा के जरिए चुने जाएंगे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक। वाराणसी में 23 अगस्त से भाजपा का बूथ विजय अभियान, जिले के विधानसभा क्षेत्रों की होंगी बैठकें। हैदराबाद में दुष्कर्म मामले में भाजपा विधायक हुए बरी, महिला ने वापस लिया मुकदमा। हरिद्वार में हॉकी प्लेयर के घर के बाहर हंगामा, असामाजिक तत्वों ने हार के बाद किया हंगामा, घर के बाहर की गई आतिशबाजी। ग्वालियर में आप पार्टी की चुनाव में जीतने की तैयारी पूरी, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दों पर कार्य करने का दावा किया। नैनीताल में बीमारियों से लोगों को मिलेगा छुटकारा, सभासद इलाके में करवा रहे हैं पौधे। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर 101 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया गया, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है 5 अगस्त। २०२२ से पहले बीजेपी का शंखनाद रुड़की में बजेगी, 18 अगस्त से निकालेगी आशीर्वाद यात्रा। प्रयाग में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के जाने पर रोक, कोरोना के चलते दर्शन पर लगा है प्रतिबंध। सितारगंज में नवदंपति ने जहर खाकर की आत्महत्या, घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। विकासनगर में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ शिकायत हुई दर्ज, पुलिस ने एक्शन लेने की मांग। अल्मोड़ा में आशा कार्यकर्तियों का प्रदर्शन जारी, चिकित्साधारी के माध्यम सरकार को सौंपा गया। चमोली में भारतीय सेना ने मनाया स्वर्णिम विजय दिवस, शहीदों को किया गया नमन। चमोली में एएनएम केंद्रों में हो रहा वैक्सीनेशन, केंद्र में दिखाई दी लोगों की भारी भीड़। पौड़ी गढ़वाल में डीएम ने किया ईवीएम मशीन कक्षों का निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। हरिद्वार में राज्यपाल ने किया भगवान शिव का रुद्राभिषेक, शांति कुंज प्रमुख से की मुलाकात। लक्सर में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाया अभियान, आरोपी तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मसूरी में बारिश होने से मोटर मार्ग बाधित, लोगों के आवागमन में हो रही है दिक्कत। मसूरी में कई स्थानों पर पानी का भारी संकट, लोगों ने कई बार प्रशासन को कराया अवगत, नहीं हो रही है क्षेत्रवासियों की सुनवाई।
प्रदेश में 3 दिवसीय मंथन शिविर का समापन, कांग्रेस नेताओं ने की प्रेस वार्ता। अगस्त से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र, विधायकों ने लगाए 657 प्रश्न। उत्तराखंड सरकार देहरादून नगर निगम को नहीं देगी दाखिल खारिज का अधिकार, सरकार ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में लगे नारे, सेना के समर्थन में लोगों ने निकाली रैली। कोरोना की उत्पत्ति पर अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी की रिपोर्ट को चीन ने किया खारिज। ब्रिटेन में जल्द शुरू हो सकता है 16 से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन। अफगान सेना के हवाई हमले में 13 तालिबान आतंकी ढेर, बड़ी मात्रा में गोला बारूद हुआ नष्ट। दुनिया भर में 2 अरब वैक्सीन डोज सप्लाई करेगा चीन, कोवैक्स के लिए देगा 10 करोड़। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हमला, सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, भारत ने भी लगाई लताड़, बैकफुट पर इमरान सरकार। तालिबान की मदद करने के लिए आरोपों के बीच एनएसए यूसुफ बोले, पाक करता है अफगानिस्तान संकट के राजनीतिक समाधान का समर्थन। तेल टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद इजराइल रक्षा मंत्री ने ईरान पर हमले की दी धमकी। अमेरिका से बेइज्जती के बाद पाकिस्तान ने दी चेतावनी, कहा हमारे पास है अन्य विकल्प। सैन फ्रांसिस्को की सड़क पर AK-47 लहराती दिखी महिला, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने शुरू की जांच। तालिबान ने दिए दोस्ती के संकेत, कहा भारत को पाकिस्तान की नजर से नहीं देखते। तुर्की और पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों के लिए बनी अमेरिका नीति को मानने से किया साफ इनकार। चीन में बड़ा कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप, हेनान प्रांत में लगाया गया लॉकडाउन। अमेरिका में भारतीय नवविवाहित का दहेज के लिए उत्पीड़न, दर दर भटक रही पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। अफगानिस्तान पर चीन पाकिस्तान के साथ रूस करेगा बैठक, भारत को नहीं दिया न्योता। नॉर्थ कोरिया में बाढ़ ने मचाई तबाही, भारी मात्रा में हुआ नुकसान, अमेरिका ने बढ़ाया मदद का हाथ। अवैध आर्जकों के बच्चों को नागरिकता देने की राह निकालेगा अमेरिका, भारतीयों को होगा सबसे ज्यादा लाभ। अफगानिस्तान में नकाब ना पहनने पर लड़की की हत्या, आतंकियों के कब्जे वाले इलाकों में बनाए गए नए नियम, तालिबान ने महिलाओं पर लगाए हैं कई प्रतिबंध।
अमेरिका में सामने आए 1 लाख से ज्यादा नए कोरोना मामले, डॉक्टर फासी ने कहा कि कुछ सप्ताह में हो सकते हैं डबल। अलास्का में पर्यटक विमान दुर्घटनाग्रस्त, 6 लोगों की मौत, अमेरिका तटरक्षक बल ने दी ये जानकारी। सरकार खत्म करेगी विवादित रेस्ट्रोपेक्टिव टैक्स कानून, केयर एनर्जी, वोडाफोन जैसी कंपनियों का होगा फायदा। पीएफआरडीए कानून में होगा संशोधन, एनपीएस ट्रस्ट हो सकता है अलग। सारा ग्रुप के निवेशकों को सेबी ने 129 करोड़ रुपए लौटाए, रिफंड अकाउंट्स में बड़ी रकम। आईपीओ से पहले एक्सिगो का बड़ा कदम, बस टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म अभी बस का किया अधिग्रहण। रिलायंस बीपी मोबिलिटी और स्विगी के बीच हुआ करार, अब ई व्हीकल से आपके दरवाजे पर डिलीवर होगा खाना। भारतीय महिला हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल जीतने का सपना टूटा, ग्रेट ब्रिटेन की टीम ने भारत को 4-3 से हराया। पहलवान ने किर्गिस्तान के खिलाड़ी को हराया, एशियाई चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट से होगा मुकाबला। इंग्लैंड को बड़ा झटका, जोफ्रा आर्चर पूरे साल के लिए नहीं खेल पाएंगे क्रिकेट, T20 वर्ल्ड कप से भी हुए बाहर। सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम के हारने पर हरिद्वार में हंगामा, वंदना के परिवार को दी गालियां, 3 लोगों पर केस हुआ दर्ज। पाकिस्तान में हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी, वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम 18 साल बाद खेलने को तैयार। फिल्म निर्माता विभु अग्रवाल पर लगा यौन शोषण का आरोप, महिला ने दर्ज कराया केस। दीपिका पादुकोण की पूर्व मैनेजर करिश्मा प्रकाश की मुश्किलें बड़ी, कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका की खारिज। जानवी कपूर ने मलयालम फिल्म हेलेन के हिंदी रीमेक की मुंबई में शुरू की शूटिंग, जानवी ने इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में 4 अगस्त से की शुरू। इंडियन आइडल 12 के मंच पर गूंजेगा बचपन का प्यार, सहदेव दिर्दो इंडियन आइडल 12 में आएंगे नजर। राज कुंद्रा ने जमानत को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को दी चुनौती, पुलिस को जारी हुए नोटिस। आज के प्राइम शतक में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।